Hi, welcome to my channel. It's been solved current question 15. Find the volume of a cube, one face of which has an area of 64 meter square. Means this is a cube और यहाँ पर दिया हुआ है एक फेस का एरिया. तो यहाँ पर देखिए, एक फेस मैंने यहाँ पर कलर कर लिया है, तो यहाँ पर 64 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया दे दिया है. तो देखिए, इसके जितने भी सरफेस होंगे या जितने भी फेस होंगे, मतलब सिक्स फेसेस होते हैं, सबका सारे फेस का जो एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है. ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये 64 यहाँ दिया हुआ है, 64 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस वन, और इसका भी वही होगा, इसका भी होगा, सबका वही होगा. तो हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. तो इसका वॉल्यूम तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको एज पता हो, इस क्यूब का ये लेंथ पता हो, दिस इज एज. ओके, ये जो लाइन ड्रा की गई है ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस कोने से इस कोने तक, दिस इज कॉल्ड एज. तो ये एज फाइंड कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड द वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एज. ओके, लेट अस सॉल्व इट. तो पहले आपको एज निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, मीन्स एरिया ऑफ अ फेस. तो वी नो दैट सिंस एरिया ऑफ अ फेस of a cube is equal to area of a square. Means एक क्यूब का जो फेस होता है वो डेफिनेटली एक स्क्वायर होता है, और उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है साइड स्क्वायर, मीन्स इसका एक एज का स्क्वायर. मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस, एज होल स्क्वायर. इट इम्प्लाइज, देखिए, एरिया ऑफ अ फेस ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है 64, तो हम लिख देंगे 64 इज इक्वल टू एज स्क्वायर, एज स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा. देखिए, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 64 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एज का स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, 64 को यदि हम बाहर निकालना चाहते हैं इस स्क्वायर रूट के बाहर, तो क्या करना होगा, हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म लिखना पड़ेगा. मीन्स फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा हमें 8 × 8 इक्वल टू, यहाँ पर तो एज का स्क्वायर है ही, ये बाहर निकल जाएगा बिल्कुल ही, तो ये एज आ जाएगा. और इट इम्प्लाइज, यहाँ से दोनों का पेयर बन गया है, तो एक पेयर बाहर, पेयर से एक जो है बाहर निकल सकता है. मीन्स एट इक्वल टू हो जाएगा एज. तो हमने एज फाइंड कर लिया 8. हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एज होल क्यूब. मीन्स एज का जब क्यूब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. इस क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है. एज हमारा आ गया 8. 8 क्या आया है, मीटर. ठीक है, 8 मीटर. सो 8 मीटर होल क्यूब करेंगे तो मिलेगा हमें 8 × 64, 64 × 8 = 512 मीटर क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, तो अब समझ चुके होंगे कैसे करना है. मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया का दे दिया है, यहाँ पर एरिया, सरफेस एरिया, देन यू कैन फाइंड एज, एंड आफ्टर फाइंडिंग एज यू कैन फाइंड द वॉल्यूम. ओके, आसान है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.